हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक एलजी का सीआरटी टीवी आया हुआ है, देखिए आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दिखाने से पहले दोस्तों आपसे एक आग्रह है कि दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, लाइन देखिए, आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसमें ग्रीन स्क्रीन आ रहा है और ग्राफिक भी दिखाई दे रहा है, देख रहे होंगे आप वीडियो में, और ऊपर से रिट्रेस लाइन आ रहा है। तो आपके इस फॉल्ट को मैं ठीक करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए दोस्तों। देखिए टीवी को ओपन कर लिया हूँ और आपको फटाफट से वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूँ। और देखिए सबसे पहले मैं 180 वोल्ट देखता हूँ चेक करके कि मेरा 180 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मीटर में 180 वोल्ट सही बन रहा है, 180 से 200 वोल्ट का बीच में जो कि ठीक है। तो आइए आपको बेस पे चेक करके वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए मैं बेस पे वोल्टेज दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाऊंगा रिपेयर करके, कैसे आप रिपेयर कर पाओगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 180 से 190 वोल्ट के बीच में आ रहा है, यानी कि यह हमारा वोल्टेज भी सही है। आपको आरजीबी पे वोल्टेज दिखाता हूँ चेक करके कि आरजीबी पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ये ब्लू है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिखा रहा है। आपको रेड पे दिखाता हूँ, देखिए रेड पे भी वोल्टेज बन रहा है, जो कि सही बन रहा है। देख सकते हैं, आपको ग्रीन दिखा देता हूँ, ग्रीन पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो बनना चाहिए वोल्टेज वहाँ पे बन नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जहाँ से 180 वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ रेजिस्टेंस पे, देखिए यहाँ पे देखिए 180 से 190 वोल्ट को बीच में बन रहा है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी ठीक बन रहा है। जो कि ये ब्लू का दिखा रहा हूँ, ये रेड का देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रेड का भी 180 वोल्ट दिखा रहा है, और दूसरे सिरे पे दिखा रहा हूँ, देखिए दूसरे सिरे पे भी बन रहा है कुछ वोल्ट, जो कि ये भी ठीक है। और आपको ग्रीन पे दिखाता हूँ अभी चेक करके, देखिए देखिए यहाँ पे, देखिए 180 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। देखिए कुछ थोड़ा सा वोल्ट दिखा रहा है कुछ वोल्ट, लेकिन ये सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगा। देखिए देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ देखिए, इस रेजिस्टेंस को खोल के मैं चेक करूँगा, देखिए उल्टा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है, जो कि शायद ख़राब है, इसको खोल के मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए खोल लिया हूँ रेजिस्टेंस को, देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया हूँ मैं,
आपको चेक करके भी दिखाऊंगा रेजिस्टेंस, जो देखिए ये रेजिस्टेंस ठीक है या खराब है आपको चेक करके दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये ओपन हो गया है रेजिस्टेंस, जो देख सकते हैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस में तो उल्टा सीधा कोई नहीं होता है, लेकिन आपको दोनों तरफ से देखिए दिखा दे रहा हूँ, कोई ओम्स वगैरह नहीं दिखा रहा है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस दोस्तों तो 18K का है। तो देखिए दोस्तों मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया हूँ नया वाला, देखिए आपको चेक करके दिखाऊंगा इसको। 18 किलो ओम्स का है, 18 किलो ओम्स का, देखिए आपको चेक करके मीटर में दिखा देता हूँ। देखिए 17.83 यानी 18 किलो ओम्स का है ये रेजिस्टेंस, जो ये बिल्कुल ओके है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, लगाऊंगा और लगा करके आपको फिर से वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। देखिए लगा ले रहा हूँ, बिल्कुल दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे इस फॉल्ट को। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं बोलते रहता हूँ, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब किया कीजिए, अगर एक अच्छे टेक्नीशियन बनना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सब सारे फॉल्ट पे मैं वीडियो आपको लाने वाला हूँ। आगे मैं एक एक करके सारा फॉल्ट में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैं रेजिस्टेंस को लगा लेता हूँ, सोल्डिंग कर ले रहा हूँ। देखिए सोल्डिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं। देखिए अभी करंट देखिए आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए मीटर को मैं 20 वोल्ट का रेंज में रखा था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अभी 200 में रख दिया हूँ। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 180 वोल्ट बन रहा है। दूसरा सिरे पे आपको दिखा देता हूँ अभी, जो दूसरे सिरे पे नहीं बन रहा था जो रेजिस्टेंस के, देखिए 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 यहाँ पे अभी बन रहा है वोल्टेज, जो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था। देखिए ये ग्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, मीटर का स्लोप थोड़ा ठीक से टच नहीं हो पा रहा है। चलिए दोस्तों आपको सामने से मैं दिखा देता हूँ मेरा ग्राफिक बना है और या नहीं बना है। देखिए ब्लू स्क्रीन आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए पिक्चर भी हमारा ठीक आ रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों आप ये
पिक्चर जो हिलने का थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे वो कैमरे की वजह से, मोबाइल का कैमरे की वजह से ही आता है। तो ये दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बल्कि कैमरा करने से ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।